फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई लोग तो ऐसे होंगे जो वीडियो को स्टार्ट भी नहीं करेंगे और कमेंट करना शुरू कर देंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि हेयर ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहिए। हेयर ऑयल तो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको हेयर ऑयल सूट करता है तो आप उसे डेफिनेटली यूज़ करें। फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हेयर ऑयल सूट नहीं करता। कई लोगों का स्कैल्प काफ़ी ऑयली होता है। इस कंडीशन में अगर वो ऑयल यूज़ करते हैं तो उनके बाल और ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे होते हैं जिनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, अगर वो हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन पर ऑयल आने की वजह से पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रेंड्स, कई लोगों को डेली बाहर जाना होता है और डेली अप डाउन करना पड़ता है। इस कंडीशन में ऑयल लगाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। क्या सब्स्टिट्यूट है अगर हम हेयर ऑयल का यूज़ ना करें बट हमें उसके सारे बेनिफिट्स मिल जाएं? तो आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लाई हूँ, वो है इंडलजियो का हेयर वाइटलाइजर। और इसके अंदर बहुत सारे ड्राई ऑयल्स का यूज़ किया गया है, एविकाडो ऑयल्स, जजोबा ऑयल्स और इस तरीके के और भी बहुत सारे ऑयल्स का यूज़ किया गया है, जो आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देता है। ऑयल का सारा वर्क करता है बट आपके हेयर को बिल्कुल ऑयली नहीं होने देता। यस, आपके रूट्स पे डीपली पेनिट्रेट हो जाता है और आपके रूट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से नरिश करता है। ये इस तरीके की ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग में आता है और बैक साइड में आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं और इसको यूज़ करने का क्या क्या तरीका है। और ये प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है और इसमें किसी भी तरह के मिनरल ऑयल का कोई यूज़ नहीं किया गया है। और ये इस तरीके की एक ग्लास बॉटल में आता है। नेट क्वान्टिटी आपको 120 ml मिल जाती है और इसके साथ इस तरीके का ड्रॉपर मिलता है जिससे इसे यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। ये बिल्कुल वाटर फॉर्म में होता है और बिल्कुल नॉन ऑयली होता है और स्कैल्प में डीपली पेनिट्रेट हो जाता है। मैं यहाँ अपने हैंड पर इसे यूज़ करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है और विद इन सेकेंड में एब्जॉर्ब हो गया। मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, बालों को वॉश करने के बाद मैं ड्रॉपर में जो है कुछ ड्रॉप्स ले लेती हूँ और अपने रूट्स पे इसे अप्लाई करती हूँ। तो मैं अपने रूट्स पे अप्लाई करने के बाद इसे छोड़ देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे अपना हेयर वॉश करना होता है देन मैं हेयर वॉश करती हूँ। ये बालों को बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं कराता और आपके बाल एज इट इज़ रहते हैं जैसे कि आपके बाल वॉश करने के बाद रहते हैं। और सडनली हमें जो है इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ता है और उस कंडीशन में हमें बालों को धोना पड़ता है तो हमें ऑयल के सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे लगा के छोड़ सकते हैं, उसके बाद जो है आपके बाल नॉर्मल से फील होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपने किसी तरीके का ऑयल लगाया है बट आपको ऑयल के सारे बेनिफिट्स आप मिल जाते हैं। अंदर जितने भी ऑयल्स दिए गए हैं वो ड्राई ऑयल्स हैं जो आपके रूट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। स्पेशली अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छी तरीके से बालों में वर्क करता है और बालों की लेंथ बढ़ाने के साथ साथ आपके बालों को अच्छा खासा वॉल्यूम भी देता है। तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली मेरे कहने पर एक बार यूज़ कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं। तो मिलती हूं मैं इसी तरीके की और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।